इसमे लामान वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांस लेवल स्ट्रेटजीज दैट आर बीइंग यूज्ड इन द रिस्क मैनेजमेंट वर्ल्ड जो फाइनेंशियली इसको इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है बाय बिग हाउसेस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनीज हमने बियर पुट स्ट्रेटजी की बेसिक्स डिस्कस की थी आ, ब्रीफ रिकॉल इज़ एन ऑप्शन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेड बाय इन्वेस्टर हु इज माइडली बेरश जो कि मार्केट के बारे में जिसका व्यू है कि ये मार्केट ने गिरना है हमने बेयरश और वो सारे फैक्टर्स पर बड़ी डिटेल बात कर ली थी तो इसमें जो हमने बात की थी कि दो तरह के स्ट्रैटीज हैं बीयर पुट स्ट्रैटी बीयर कॉल स्ट्रैटी दोनों का लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है बट एम इज टू गेन बेनिफिट फ्राम द मूवमेंट एंड वी एक्सपेक्ट द मार्केट टू In that. इसको हम जरा थोड़ा इलिस्ट्रेट करते हैं बियर पुट कंसिस्ट ऑफ वन लॉन्ग पुट विद्राइक प्राइस एंड वन शॉर्ट पुट विद्राइक प्राइस हमें यह पहले ही पता है कि अगर पोर्ट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होगी तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा तो उस पर हम लॉन्ग हो रहे हैं बाइंग पोर्ट ऑप्शन एट द सेम टाइम जो एक लो स्ट्राइक प्राइस है उस पर हम अपने आप को शॉर्ट हो रहे हैं यानी कि उससे हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी तो इसकी अगर हम इन की बात करें तो वी बाय वन एक्स वाई जी हंड्रेड पुट एट थ्री पॉइंट टू डॉलर यानी कि हमारा ये आउटफ्लो हो जाएगा थ्री पॉइंट टू डॉलर का और क्योंकि हमने एक पुट में शॉर्ट हो रहे हैं तो वो है उसकी स्ट्राइक प्राइस नाइन्टी फाइव लोअर है तो उसका मतलब है प्रीमियम भी कम होगा उसका प्रीमियम हमें मिल गया वन पॉइंट थ्री तो इफेक्टिवली वट पी गेट आउट ऑफ इट इज हमें नेट वन पॉइंट नाइन डॉलर की कॉस्ट आई इस स्ट्रैटेजी और ये हमने एक अपने आप को लॉक कर लिया एक हायर लेवल की पुट खरीद ली और एक लो लेवल की पुट को हमने राइट ऑफ कर दिया ये क्यों किया ताकि हम अपना थोड़ा सा अपनी कॉस्ट को भी सेव करना चाह रहे हैं अदरवाइज थ्री पॉइंट टू इज अर नंबर अब यह होगा क्या हाउ इट विल वर्क प्रॉफिट इज लिमिटेड इफ़ स्टॉक प्राइस फॉल हमें पता है पुट ऑप्शन में फ़ायदा कब होता है जब प्राइस नीचे जाती है तो लॉन्ग वाले को फायदा होता है लेकिन वो लिमिट हो जाएगी क्योंकि हमने एक लेवल पे जाके अपने आप को शॉर्ट भी कर दिया है तो पोटेंशियल लॉस इज लिमिटेड इफ़ द स्टॉक प्राइस राइज अबव द स्टॉक प्राइज और अगर वो अपने हमारी जो पुट से भर जाएगा तो वो हमें लॉस का एलिमेंट आ जाएगा बट अगेन दैट विल बी लिमिटेड टू वट वी हैव पेड तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें इससे कितना हो सकता है वी शुड एबल टू जॉट दैट डाउन प्रॉफिट इज लिमिटेड डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ द स्प्रेड इंक्लूडिंग एनी कमीशन इन दिस एग्जाम्पल डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस कितना है हंड्रेड और नाइन्टी फाइव दो स्ट्राइक प्राइस हैं जिसमें फाइव डॉलर का डिफरेंस है और जो हमारी कॉस्ट है जो कि हमने कैलकुलेट की थी थ्री पॉइंट टू माइनस वन पॉइंट थ्री दैट इज वन पॉइंट तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमें इस ट्रांजेक्शन से होगा वो होगा थ्री पॉइंट वन यानी फाइव डॉलर माइनस वन पॉइंट नाइन दिस इज मच वी कैन गेट ये अब क्योंकि आप, अमाउंट शायद थोड़ी कम लग रही हो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम एक शेयर का तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे विल बी टॉकिंग अबाउट हंड्रेड थाउजेंड टू हंड्रेड थाउजेंड वन मिलियन शेयर तो दैल्यू कैन बी वेरी अनोमस दिस मैक्सिमम प्रॉफिट इज रियलाइज इफ द स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द शॉर्ट पुट ऐट एक्सपायरेशन कि जब वो शेयर की प्राइस नीचे एक्चुअली जाएगी यानी कि जैसे हमने सोचा था कि मार्केट ने नीचे गिरना है तो अगर ये एक्चुअली नीचे चली जाएगी तो हमें पर शेयर 3.1 डॉलर का गेन हो जाएगा शॉर्ट पुट्स आर जनरली असाइंड एट एक्सपाइशन वैन स्टॉक इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस हाएवर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्ली असाइनमेंट वो हम कई दफ़ा ये एक शॉर्ट वाली ऑप्शन बाद में भी लेते हैं और कई दफ़ा ये शुरू में भी दोनों चीजें लॉक इन कर ली जाती हैं मैक्सिमम रिस्क क्या है इसमें क्योंकि ये ऑप्शन है इसमें बहुत ज्यादा ऑब्वियसली रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा स्पेसिफिकली फॉर द बायर मैक्सिमम रिस्क इज द कॉस्ट ऑफ इंक्लूडिंग कमीशन जो हमें जो नेट हमारी इम्पैक्ट है वो हमें जो पे ऑफ करना है दैट इज वट वी गोइंग टू द लॉस इज द अमाउंट रियलाइज इफ द पोजिशन इज हेल्ड एंड वो द पुट्स एक्सपायर यानी कि एक्चुअली क्या हो शेयर की प्राइस गिरने की बजाय बढ़ जाए तो उससे क्या होगा हमें दोनों ऑप्शन जो हैं वो वर्थलेस हो जाएंगी क्योंकि वो एक्सरसाइज होंगी नहीं नो वन विल बी सेलिंग अ प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस वेन एक्चुअल मार्केट प्राइस इज हायर बट पुट्स एक्सपायर वर्थलेस इफ द स्टॉक इज अब द स्ट्राइक प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा अगर वो है तो वो ऑप्शन को वर्थलेस होगा तो इन दैट सरकमस्टांसिस वी विल बी इन करिंग लॉस इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है जैसे कि आपको पता है कि हमने 100 वाली पुट ली हुई है और 1.9 हमने उस पर प्रीमियम दिया है तो अगर शेयर 100 से नीचे आए 1.9, यानी कि 98.1 पे अगर शेयर आ जाए यानी कि हमारी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव कर गया स्टॉक नीचे आ गया तो so 98.1 पे आ जाएगा तो ब्रेक ई हो जाएगा जितना हमने खर्चा किया था उतना नीचे गिर गया तो अब हमें यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट इससे फर्दर नीचे जाता जाएगा तो वी विल गेन जैसे अभी हमने मैक्सिमम गेन की बात की थी ब्रेक इवन पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है समझना कि दिस अ पॉइंट वेयर ऑल योर कॉस्ट इज बीइंग कवर्ड विद द मूवमेंट ये अगर आप इसको ग्राफिकली देखें थोड़ा सा तो ये हमें बताता है कि हाउ इट्स गोइंग सो वी स्टार्टेड विद अमाउंट यानी कि थ्री जिस तरह कह रहा है वो टू तो, वो रफली उस पर हम वहाँ पर खड़े हुए थे एज द थिंग्स मूव तो हमारा जो ग्राफिकली रिप्रजेंटेशन हमें ये शो कर रही है कि वी विल बी शेयर की प्राइस गिरेगी एंड वी विल गेन आउट ऑफ इट यानि कि जिस तरह इस तरह स्टॉक हमारी डायरेक्शन में मूव करे तो वी कैन गेन आउट ऑफ इट अगर वो मूव नहीं करता तो वी विल बी losing on the premium which we have paid. So this is a strategy how it works, how it relates in the real world. So you yeah, have you can trade and make good money out of it in the option market. Thank you.